अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आज का टॉपिक है रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना। आज का प्रोजेक्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला स्टेप जो है वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है कि सिस्टम में कौन कौन सी फंक्शन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और कौन कौन सी बेसिक की पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है ये बताता है कि ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर मेन कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, और आगे कुछ ब्रीफली फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा से करके भी लिखी हुई हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो मेन चीज़ बताई गई है वो मैंने हाइलाइट्स की हुई है, और इन चीज़ों को हमने एक लेटर शेप में भी बनाया ताकि हम उसे बाद में ग्राफिकल शेप में कन्वर्ट कर सकें। तो सिस्टम में जो मेन चीज़ बताई जाती है कि वो ये कि सिस्टम जो है वो व्हीकल्स की सेल और रेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि व्हीकल की सेल परचेजिंग और रेंट और उसके जो कस्टमर हैं उसको हैंडल करता है। इसमें व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी टाइप और दूसरी इंफॉर्मेशन जो व्हीकल से रिलेटेड है वो सेव की जाती है। इसमें लॉगिन और लॉगआउट का फंक्शन भी है होना चाहिए, और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि आप इसमें कार का रिकॉर्ड को ट्रेस कर सकें और व्हीकल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी ट्रेस कर सकें। अगर और कोई डैमेज वगैरह है, व्हीकल रेंट पे गई है और उसको कोई डैमेज वगैरह हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड इसमें सेव होना चाहिए। तो हम फंक्शन रिक्वायरमेंट को ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन रिक्वायरमेंट में है कि आप देख सकते हैं कि यूज़र एक वेब एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें मुख्तलिफ यूज़र राइट्स के साथ, सुपरवाइज़र यानी कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पे सुपरवाइज़र होता है जो कि इस चीज़ को ट्रैक रखता है कि गाड़ियाँ कौन कौन से रेंट पे हैं और कहाँ कहाँ गई हैं और कितने कितने टाइम पे उनका रेंट पे है व्हीकल। यूज़र को ये चाल दी जाए इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कि वो दे सके कि कौन कौन सी व्हीकल्स अवेलेबल हैं। इसमें तीसरा रोल जो उसने बताया हुआ कि एक एडमिन अकाउंट मैनेजर जो है जो कि एडमिन राइट्स रखता है वो ट्रैक कर सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट वर्स में ये जाहिर किया गया, पर ये आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो दी गई है वो प्रैक्टिकली जो सिस्टम चल रहे हैं उनसे लेकर दी गई है। ब्रीफली नहीं बताया गया कि किस टाइप की यूज़र को कौन सी फंक्शन परफॉर्म करने हैं ऑनलाइन सिस्टम के अंदर। दूसरी रिक्वायरमेंट के अंदर जो आप देख रहे हैं, सिस्टम विल कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द व्हीकल दैट आर रेंटेड आउट। ये वही चीज़ है कि आप जो भी व्हीकल फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था उसे थोड़ा सा ब्रीफली बताया हुआ कि सिस्टम सभी व्हीकल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करे जो कि रेंटेड है, रेंट पे गई हुई व्हीकल्स, सुपरवाइजर व्हीकल्स को देख सके और ये भी देख सके कौन सी व्हीकल अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन वेब बेस होनी चाहिए। अगर असली व्हीकल्स में सेम प्रॉब्लम्स हैं उसे ट्रेस किया जा सके कि अगर कोई इंजन के प्रॉब्लम से कौन कौन सी व्हीकल में इंजन का प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक सॉफ्टवेयर लिस्ट की शक्ल में आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सके कि वो एक सॉफ्टवेयर लिस्ट की शक्ल में आ जाए कि ये वाली व्हीकल्स में इंजन का प्रॉब्लम है, बैटरी का प्रॉब्लम है। चौथे नंबर पे जो है वो एनालाइजेशन के लिए ही वाले से है। ये रेड कलर जो कोटेड लाइंस हैं ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स में रखी हुई हैं, क्योंकि ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव को ही एक्सेसिबल हैं। और आप दूसरे कलर भी देख रहे होंगे यहाँ पे, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये यूज़र लेवल की आ जाती हैं क्योंकि यूज़र को जो मेन कंसर्न है वो यही चीज़ है। डिस्प्ले एंड एनालाइज द सॉर्टेड आउट व्हीकल्स। मैं थोड़ा सा इसे फॉरवर्ड करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आप थोड़ा सा उलझ जाते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में जो रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, पर जो आपको पहले एक शेप में लेकर आना होता है
कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके बाद आप कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये मैंने सारी रिक्वायरमेंट जो हैं ये कट करके हमने नीचे ले आए हैं ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके। तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये एक ऐसे फॉर्म में है जिसमें आप समझ सकते हैं कि इनके रूल्स जो हैं वो आसानी से पढ़ सकें, आसानी से समझ हमें आने वाली हैं। बुलेट्स की शक्ल में है, यूज़र डेट आर अलाउड टू सी द लिस्ट ऑफ अवेलेबल व्हीकल्स, यानी कि उसके पास कोई ऐसा इंटरफेस है कि उसके पास सारी व्हीकल्स जो अवेलेबल हैं जिसे वो रेंट पे ले सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, वो सारी की सारी व्हीकल की डिटेल शो हो। सबसे पहले तो यूज़र अपना एक साइट के ऊपर अकाउंट बनाएगा जिसमें वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ प्रोफेशनल इंफॉर्म भी देगा। अगर वो प्रोफेशन उसका जो है आर्मी, डॉक्टर या टीचर है तो उसे डिस्काउंट दिया जाएगा। जो सिस्टम में हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेट करेगा कि आर्मी वालों को कितना डिस्काउंट है, डॉक्टर वालों को कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, टीचर वालों को कितना डिस्काउंट दिया जाएगा। तीसरे बुलेट्स में आप देख सकते हैं कि उसे व्हीकल के साथ जो है रेंटेड आउट प्राइस लिस्ट भी दी जाएगी कि इस गाड़ी की ये प्राइस है, आवर बेस पे या डेली बेस पे प्राइजेस भी शो की जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव में आप काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट जो कि ऊपर वाली पैराग्राफ से मैंने कुछ लाइंस काट के यहाँ पे रखी हैं ताकि उसे समझने में आसानी हो सके। पहली वाली लाइंस तो मैंने इसलिए इजाफी रखी हैं कि आप दे सकें कि जब भी व्हीकल्स आपको एक फंक्शन रिक्वायरमेंट आपकी ये भी होगी कि आप व्हीकल का रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकें जिसमें आपकी व्हीकल की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल टाइप या दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो भी होगी, और लॉगिन और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी कॉमन है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटिव में, पर जो एडमिन राइट सकता है वो बना सकता है एडमिन यूज़र। और यूज़र लेवल पे हम ओपनली रखेंगे कि साइट पे कोई भी विजिट करे और अपना प्रोफाइल बना सके, अकाउंट बना सके, प्रोफाइल को अपडेट कर सके। जैसे कि हम ओपन साइट्स हैं जैसे फेसबुक वगैरह या जीमेल है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही ये साइट भी ओपन साइट होगी जिसके शोकेस में आप व्हीकल्स को डिस्प्ले करेंगे विद प्राइस और अवेलेबल व्हीकल्स जो हैं डिफरेंट फिल्टर के साथ, और यूज़र अपना अकाउंट बनाने के बाद उसे बुकिंग कर सकेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप व्हीकल में प्रॉब्लम्स आएँ उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करें, एनालाइजेशन भी आप कर सकें टाइम पीरियड के लिहाज से, फिल्टर भी कर सकें व्हीकल जो सील्ड है जो बिकिंग है उनका भी हम दे सकें कि कौन सी व्हीकल बिक चुकी हैं, कौन सी रेंटेड है, ट्रांजैक्शन जो आपकी फाइनेंशियल है वो भी आप मेंटेन कर सकें। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो नीचे वाली बुलेट्स हैं, जैसा कि आपकी जो है आपको ऐसी सुपरवाइजर या एडमिन राइट्स को असेस होके वो व्हीकल्स को फिल्टर कर सके कौन सी सेल्ड है, कौन सी अवेलेबल है, कौन सी रेंटेड है, या किन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। रिक्वायरमेंट नंबर 11 पे यही दिया हुआ है, आप ये सारे के सारे रिपोर्ट जनरेट कर सकें। इसके अलावा आप वेरीफाई करने बुकिंग जब होती है तो उस वक्त आप वेरीफाई कर सकें कि इसे रेंटेड व्हीकल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कि मुझे व्हीकल इन डेज में चाहिए, तो उसे एक फीडबैक मैसेज आता है। अगर उसका डैमेज रेट ज़्यादा है और तो उसे ब्लॉक भी कर सकता है एडमिन उसके सीनियर बेस के ऊपर। इसके अलावा अगर वो कोई कंप्लेन करता है डैमेज की तो सिस्टम ये भी बताता है कि उसकी लोकेशन के हिसाब से कौन सी वर्कशॉप करीब है। तो ये थी रिक्वायरमेंट, ये काफ़ी बोरिंग चीज़ थी पर आप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इसे ग्राफिकल शेप में चेंज करेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आने लग जाएगी, और जब हम इसे कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप आसानी से इस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड भी बना सकेंगे और PHP कोडिंग भी कर सकेंगे। पर अगर आपका डेटाबेस ही क्लियर ना हो तो आप ना तो अच्छा फ्रंट एंड बना पाएंगे, इंटरफेस बना पाएंगे,
और ना ही आपकी कोडिंग इतनी वैलिड होगी कि आप प्रोजेक्ट की बेसिक्स की पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके ही आप मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं और मैं इस चैनल के लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ को मिले, तो आप उस नीचे दिए हुए बटन सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकें और आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।